हाँ जी प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। दिल्ली, जयपुर, उड़ीसा, बिहार, अलवर, रांची, हजारीबाग और नोएडा, गुड़गांव, आप सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट क्लास में जैसे हमने के स्टार्ट किया था जीएसटी का इंट्रो, और आई होप आप सब ने बड़े अच्छे से साफ साफ नोट किया था, और आप सभी बच्चों का काफ़ी आया कि सर ये कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर है, तो अब इसके बाद आगे लेके चलते हैं। अब मैं एक बार फिर से लास्ट क्लास को थोड़ा सेलिब्रेट करूँगा कि सर जीएसटी में क्या क्या कर लिया। देखो जीएसटी में दो पॉइंट्स देखे हमने, अगर ध्यान से देखें तो जीएसटी में हमारे तीन तरीके के जीएसटी थे बेसिकली। एक था हमारा CGST, एक था हमारा SGST और एक था हमारा UTGST। यूटीआई जीएसटी होता है, मैं UTGST अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये लो जी, एक और था क्या बताओ सर? एक और था ना, आपने तो लिखा ही नहीं, आप बता दो कौन सा था। एक था हमारा IGST, याद आया, लास्ट टाइम पे किया था, है ना। अब कुछ हम स्पेसिफिक पॉइंट देख लेते हैं। CGST का पैसा क्यों CGST लगता है, किसके पास जाता है? ये सेंट्रल यानी मोदी के पास, मोदी सेंट्रल के पास, है ना। स्टेट का पैसा किसके पास जाता है? स्टेट के पास। मान लेते हैं केजरीवाल मान लो, योगी मान लो, जिस स्टेट में है भाई, UTGST गवर्नर, जिसे हम लेजिस्लेट गवर्नर LG बोल देता हूं मैं, गवर्नर को LG के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है। IGST का पैसा किसके पास जाता है? ये जाता मोदी के पास है। सर मोदी के पास दो दो तरीके का, देखो ये तो लड़ाई झगड़ा मैंने बताया था ना कि लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए किया जाता है काम, तो इसलिए था ये हमारा बेसिकली। अब मैं अगर CGST की बात करूं, SGST, UTGST और IGST, तो एक बार हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं रेट वगैरह को लेके, कि किस तरीके से क्या रेट होता है, ठीक है। एक बार रेट वगैरह समझते हैं हम इसमें। देखो ध्यान से देखना, जब कभी भी हमारा सेल होता है विद इन स्टेट, जब कभी भी सेल होगा विद इन स्टेट, तो जब विद इन स्टेट होगा तो इस जगह पे दो प्रकार के टैक्सेस लगेंगे। दो प्रकार के कौन कौन से लगेंगे आपको ध्यान रखना है। CGST तो कंफर्म है ना, CGST तो कंफर्म है, और इसके साथ साथ SGST, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो UTGST, अगर यूनियन टेरिटरी है तो। अब सर अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है, बेसिकली GST किस पे लगता है? किसी सामान को बेचने पे, सर्विस देने पे, और भी बहुत सारे चीजें हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है हमारा। तो मान लेते हैं कि सामान दिल्ली से दिल्ली में बेचा गया, दिल्ली से टू दिल्ली, सामान जो बेचा गया दिल्ली से दिल्ली, यानी CP से मान लेते हैं रानीबाग, ठीक है, तो एक ही स्टेट में है, तो उस सिचुएशन में क्या लगेगा? सर उस सिचुएशन में लगेगा हमारा एक तो CGST
और एक SGST। मान लो जो सामान बेचा गया ना यहाँ से यहाँ तक, एक स्टेट सीपी से जो सामान बेचा गया रानीबाग में, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किया था 12%। 12% रेट डिसाइड किया था सामान पे, जो टैक्स लगेगा वो 12% वाला था। तो इसके हिस्से में कितना जाएगा? 6%, और इसके हिस्से में जाएगा 6%। यानी जब कभी भी कोई भी सामान बेचा जाता है तो वो रेट क्या हो जाता है? आधा। सेंट्रल गवर्नमेंट आधा लेती है और स्टेट गवर्नमेंट आधा ले लेती है। मान लो अगर यही होता 28%, क्योंकि टेलीविजन वगैरह पे ना 28% का रेट लगता है, अगर मान लो 28 होता तो बताओ मुझे, जवाब दो फटाफट कि मोदी के पास कितना जाता और केजरीवाल के पास कितना जाता। तो जवाब है 14% लगता ये, और ये भी लगता 14। अभी बस बेसिक बेसिक समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने सीख लिया, अभी तो प्रैक्टिकल भी करेंगे हम। ठीक है सर, ये पॉइंट तो समझ में आया, और कुछ नई चीजें? ओके, नई चीजें बतानी है। चलो जी, अब सपोज करो आप सभी को मैंने बताया था कि हमारे कौन कौन से हैं जहां पे UTGST लगता है, पांच, वैसे बेसिकली पांच छह पांच जगह बताए थे मैंने, चंडीगढ़ हो गया और अलग अलग मैंने स्टेट बताए थे, ठीक है ना। मान लेते हैं पंजाब, या फिर पंजाब, ठीक है पंजाब ही ले लेते हैं, और पंजाब से सामान बेचा गया चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक है ना। ये दो अलग अलग क्या है हमारे, एक ही स्टेट है। पंजाब और चंडीगढ़ देखा जाए एक ही स्टेट है, लेकिन जो चंडीगढ़ है वो किसके अंदर आ जाता है? हमारा यूटी में आ जाता है, चंडीगढ़ यूटी में, सामान चंडीगढ़ का है, ठीक है, यूटी के अंदर आ जाएगा। जब यूटी के अंदर आ गया तो बताओ क्या करेंगे? मान लो 12% वाला रेट वाला सामान है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में लगेगा हमारा, यहां पे लिख देते हैं, एक तो CGST लगने वाला है और एक UTGST। समझे आप बात को? देखो जब यूनियन टेरिटरी वाला होगा तो वहां भी CGST होगा और UTGST होगा, सेम स्टेट के जैसा ही है। मान लो 12% वाला रेट है तो 6% लगेगा, 6%। मान लो 28% वाला सामान बेच रहे हैं तो 14%। ये परसेंटेज वगैरह याद नहीं करना, कहीं आप परेशान हो जाओ सर परसेंटेज भी याद करेंगे, नहीं, सब आपको बुक में गिवन होगा, ये तो बेसिक बेसिक चीजें हैं। तो यहां तक हमने देखा कि जब विदिन अ स्टेट सामान को बेचा जाता है तो उस सिचुएशन में टैक्स को, जितना भी रेट होता है उसको दो पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है, और रेट हाफ हो जाता है। अगर हमारा नॉर्मल स्टेट है तो वहां पे CGST और SGST आएगा, दो चीजें, लेकिन हमारा यूनियन टेरिटरी है तो CGST और UTGST आएगा। लगाने का मेथड प्रोसेस सब समान है, अभी हम आगे और चर्चा करेंगे, ठीक है ना। यहां तक बताइए कोई डाउट, पहले यहां तक है क्या कोई डाउट? सर यहां तक तो कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, तो सर आगे चले हम। बिल्कुल, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है IGST। IGST कब लगता है हमारा? जब, और इसे हम कौन सा एक और बोलते हैं ना, सेल अगर बोलूं मैं इसे, तो इसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल। और एक होता है हमारा अदर, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ स्टेट। इस सेल के लिए हम क्या बोलते हैं इसको? इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? इंटर स्टेट, इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सेल, आउट ऑफ स्टेट में इंटर स्टेट सेल। तो सर मान लो, एग्जाम्पल दो सर, बिल्कुल देते हैं, मान लेते हैं दिल्ली, दिल्ली है हमारा, और सामान बेचा गया यूपी में, तो क्या ये एक ही स्टेट है या इन दोनों का टेरिटरी और बॉर्डर अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है सर, यूपी गवर्नमेंट योगी और दिल्ली गवर्नमेंट केजरीवाल, दोनों अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है ना। अगर दिल्ली से सामान बेचा गया, यहाँ से यूपी बेचा गया, सामान सोल्ड किया गया, सपोज करो अगर दिल्ली से यूपी में सोल्ड किया गया तो यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा? मान लो गुड्स का रेट 12% है तो लगेगा यहाँ पे IGST,
और वो सीधा 12% ही लगेगा। इसका रेट कोई डिवाइड का चक्कर ही नहीं है क्योंकि है ही एक। अगर यूपी से दिल्ली में बेचा जाए तो बताओ क्या होगा? अगर यूपी से दिल्ली में बेचा जाता है तब भी कौन सा टैक्स लगने वाला है? आईजीएसटी। तो समझ में आया आपको? वैसे लास्ट क्लास में मैंने क्लियर किया था, अब थोड़ा और क्लियर हो जाए, क्योंकि हमें चीज़ों को ना एक बार पढ़ना है और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा याद रहना चाहिए आपको चीज़ें। मेरा मेन कंसर्न ये है, आप सीखने के लिए आए हो, क्योंकि ये आपके एक तरीके से मैं बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ये, और अकाउंटेंसी आपके रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि नौकरी आपको इसी के बिहाफ पे मिलना है और ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको समझाना पड़ेगा। कई चीज़ें जैसे मैंने आपको, सपोज करो इंटरव्यू के लिए जाते हो और वहाँ पे अगर आपने बता दिया सर जो UTGST है इसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर आ गया, दमन एंड दीव और हवेली को एक कर दिया गया है, तो सामने वाला जो होता है बिजनेसमैन उसे थोड़ी इतना नॉलेज है, वो बड़ा इंप्रेसिव होगा। और उस केस के अंदर आपको जो है सैलरी पैकेज दिया जाता है कि कितनी नॉलेज रखते हो आप। तो ये सारी बातें जो है ये आपको मैं बता रहा हूँ तो आपको बड़ा ही आसान लग रहा होगा और एक नॉर्मल सी बातें लग रही होगी, लेकिन यही सारी बातें अगर आप कहीं और जाके सीखते हो, सॉरी, यही सारी बातें अगर कंपनी को जाके बताते हो तो उसको लगेगा कि बड़ी नई नई चीजें आती है इसको, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट है, एक बार इसको नोट करो, फिर हम इसका थोड़ा से और आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे करते जाएंगे। नोट करिए इसको फटाफट से, अरे जल्दी जल्दी नोट करिए आप। नोट करिए जल्दी जल्दी। हाँ जी, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, स्टेप से, स्टेप बाय स्टेप। तो अब मैं जो आगे लेके चल रहा हूँ आपको, इसके अंदर क्या है बेसिकली, एक होता है हमारा, दो चीज़ें हम ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करें, या तो हम करेंगे सेल, सेल या करेंगे हम परचेज, ठीक है ना? या तो हम सेल करेंगे बिजनेस के अंदर, सामान को बेचेंगे, या सामान खरीदेंगे। सामान खरीदेंगे क्यों? बिजनेस के बेचने के लिए, या फिर आप कोई एसेट्स भी खरीद सकते हैं। जब हम सेल करते हैं तो हमें अमाउंट को सोचना है, अमाउंट हम रिसीव करेंगे। जब सेल करोगे तो बताओ अमाउंट क्या होगा, पैसा क्या होगा? तो अमाउंट सर, अमाउंट को ना हम रिसीव करेंगे। और जब परचेज करेंगे तो अमाउंट क्या करेंगे? अमाउंट, अमाउंट पेड करेंगे, अमाउंट पेड करेंगे, ठीक है? दो कॉन्सेप्ट आए हमारे सामने, जब सेल करेंगे तो अमाउंट रिसीव होगा और जब परचेज करेंगे तो अमाउंट पेड होगा। इसके जैसे कुछ नेचर मैं आपको बोल दूं, रिसीव कब कब हो सकता है, क्या सेल करोगे तभी क्या अमाउंट रिसीव करोगे? नहीं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जब आप पैसे को क्या करोगे, रिसीव करोगे। जैसे जैसे आपने रेंट रिसीव किया, रेंट रिसीव, तो भी क्या होगा आपका, अमाउंट रिसीव। और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव, और क्या हो सकता है सेल के अलावा, कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव। तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि मैं समझाना चाहता हूँ कि जब आप रिसीव करोगे, जब आपके पास पैसा आएगा, जब, ओहो, जब आपके पास पैसा आएगा, जब पैसा आएगा, जब, अरे जब कैसे लिखते हैं ये भी भूल गया, पैसा आएगा। मैं पता है हिंदी क्यों लिखता हूं, रीजन बीइंग के थोड़ा आपको याद रहे, नोट्स बिल्कुल ऐसे ही लिखने हैं,
कुछ बच्चे चीटिंग करते हैं कि भाई नोट्स दिया उसमें से लिख लिख के भेज रहे हैं, मुझे तो पता चल जाएगा कि कौन सी क्लास से क्या है, मेरे को एज इट इज चाहिए जो आप नोट्स बनाते हो। पैसा आएगा तो यानी अमाउंट रिसीव, जब पैसा आएगा तो ये कारण है, इसकी वजह से पैसा आ सकता है। और कैसे पैसा आ सकता है? सर लोन लेंगे तब भी तो पैसा आएगा? नहीं, वो अलग चीज़ है, लोन वो आपको रिटर्न भी करना है। पैसा आने का मतलब आपके पास आ गया और आपका हो गया, उसको वापसी नहीं करना। मैंने अपने दोस्त से उधार पैसे ले लिया, वो भी मैंने पैसा रिसीव किया, लेकिन क्या उसे रिटर्न करने हैं? बिल्कुल उसे रिटर्न करने हैं, तो वो इसके अंदर काउंट नहीं होगा जिस चीज़ को लौटाया जाएगा। बिजनेस ने कैपिटल लिया मालिक से तो पैसा तो आया, लेकिन क्या बिजनेस को उसके ऑनर को कैपिटल रिटर्न करने होते हैं? बिल्कुल, कब करने होते हैं? जब बिजनेस बंद हो रहा है तो उसके कैपिटल लेके निकाल लेता है वो अपना, ठीक है ना। तो ये पैसा आएगा से मतलब है पैसा रिसीव किया और हमारी लाइबिलिटी देने की नहीं है उसे, सामान जरूर देंगे इसके बदले लेकिन पेमेंट रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है। सेम ऐसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ परचेज की, तो परचेज के केस के अंदर हमारा अमाउंट पेड होगा क्या? और भी कोई एग्जाम्पल अमाउंट पेड होने का? बिल्कुल, आप रेंट को पेड करोगे, क्या और भी है? और तो ढेरों सारे हैं, छठे चैप्टर के अंदर आपने देखो कितने सारे लिस्ट लिखे थे एक्सपेंस के, तो वो सारा पेड ही तो होता है। और क्या होगा आपका? और होगा आपका रेंट पेड के बाद और हो सकता है आपका कमीशन पेड, कमीशन पेड है ना, कमीशन पेड। और क्या हो सकता है? और भी बहुत सारे, एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं बस, सैलरी, सैलरी। पर ये ध्यान रखना यहाँ पे पेमेंट का मतलब है, पेमेंट का मतलब है यहाँ पे कुछ चीजों को छोड़कर, कुछ चीजों को छोड़कर, जैसे लोन का रेपेमेंट एक्सेप्ट कुछ चीजों को, क्या क्या छोड़कर मैं यहां लिख देता हूं, जैसे लोन, लोन का पेमेंट, जैसे सैलरी का पेमेंट, ठीक है, जैसे कैपिटल, यही दो पॉइंट, या कैपिटल रिफंड, ये दो पॉइंट छोड़ दो और बाकी सैलरी नहीं लेके, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, ये सब पॉइंट छोड़ देते हैं। और क्या चीज़ है और ध्यान देते हैं? और है हमारे पास खर्चे में, हम बात करते हैं स्टेशनरी, स्टेशनरी, ठीक है ना। तो मैंने यहां पे क्या होता है हमारे पास से पैसा, पैसा जाएगा, जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास अभी जीएसटी की तो मैंने डिस्कशन ही नहीं करी, मैंने ये बताया हमारे पास एक पॉइंट तब होता है हम सामान को बेचते हैं और एक पॉइंट तब होता है जब सामान खरीदते हैं। तो कई बार हमारे पास पैसे रिसीव होता है और कई बार हम पैसे पेड करते हैं। तो जब सामान रिसीव करते हैं हम, तो ये वाला पॉइंट मैंने, बाकी नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हमें एक एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे इस दो पॉइंट को बिल्कुल अलग कर दिया है कि ये पार्ट नहीं लिया जाएगा हमारा। सेम ऐसे ड्राइंग का, कैपिटल का रिफंड करना, तो वो सारे पॉइंट धीरे धीरे सीखेंगे, मैं एक नोट बना के करवाऊंगा, ठीक है ना। अब बात होता है जब सामान बेचेंगे या सामान खरीदेंगे, दोनों टाइम पे आपको टैक्स का हिसाब रखना होता है, खरीदते टाइम पे भी बेचते टाइम पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेचते टाइम पे ही टैक्स है, मैंने कोई सामान बेचा तभी टैक्स, नहीं, खरीदूंगा तब भी टैक्स का हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा। सरकार को कितना देना है वो बाद की बात है, लेकिन अभी फिलहाल हमें रखना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल सर, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब एक वर्ड लिखने वाला हूं, बहुत न्यू, एकदम ध्यान से सुनो, ध्यान से, किधर उधर की सारी बातें खत्म। मैं एक और वर्ड बोलूं तो जब कभी भी ऐसा होगा तो इसको बोलेंगे आउटपुट, आउटपुट। सर आउटपुट का मतलब जब सामान बेचते हैं तो बना और बन के बिका, इनपुट का मतलब होता है खरीदना और आउटपुट का मतलब बेसिकली होता है बेचना। आउटपुट, आउटपुट का मतलब क्या होता है हमारा? बेचना, ठीक है ना, आउटपुट। तो यहां पे लगेगा आउटपुट जीएसटी। आउटपुट का मतलब क्या होता है? जब कोई सामान हम बनाते हैं और बेचते हैं उसको आउटपुट बोलते हैं। लेकिन फिर बोलोगे सर हम कमीशन जो पेड कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, तो इसमें कुछ बना थोड़ी रहे। तो हाँ मैंने बताया आपको समझाने के लिए कि एक तो आउटपुट टैक्स होगा और दूसरा याद रखने का तरीका है आउटपुट जीएसटी तब लगेगा जब हमें पैसे मिलेंगे। कहाँ से पैसे मिलेंगे? इन सारे पॉइंट से पैसे मिलेंगे।
क्या हमें लोन का मिलता है, तो वो नहीं होगा क्योंकि उसे रिफंड करना है। मैंने समझाया था ना आउटपुट जीएसटी। अब आउटपुट जीएसटी में सिर्फ जीएसटी होगा क्या सर? नहीं, आउटपुट के अंदर आपका अगर मान लो दिल्ली से दिल्ली में माल बिकता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, दिल्ली से दिल्ली के केस में सीजीएसटी एसजीएसटी, या फिर अगर आपका मान लो कोई और है तो यूटीजीएसटी भी होता हो सकता है ना। अगर दिल्ली से अदर स्टेट में है तो आउटपुट आईजीएसटी। तो जीएसटी तो है। अब जीएसटी के अंदर हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई जीएसटी के अंदर इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट। अभी हम आउटपुट की बात कर रहे हैं। आउटपुट कब लगेगा? जब कभी सामान को हम बेचेंगे तो मेनली आउटपुट जीएसटी लगेगा। आपके सिलेबस के अंदर ज्यादा से ज्यादा सामान के ऊपर ही है। तो सर यहां पे भी कुछ है क्या? बिल्कुल, मैंने अभी बातों बातों में बताया तो था, यहां पे लगता है इनपुट इनपुट जीएसटी। सर इनपुट क्यों? क्योंकि सामान खरीदोगे तो इनपुट होता है हमारा, ठीक है, सामान खरीदते हैं तो इनपुट होता है, तो इनपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी कितने होंगे? बिल्कुल, अगर दिल्ली से दिल्ली बेचोगे तो सीजीएसटी और अदर और एसजीएसटी, दो लग गए ना। अरे बोलते क्यों नहीं? एक बच्चा कहता है सर समझ में नहीं आया, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दोबारा देख लेते हैं। चलो देखो, जब हमारे पास पैसे रिसीव होगा यानी सिंपल देखो सेल्स होगा तो उस टाइम पे लगेगा आउटपुट जीएसटी, और जब हम खरीदेंगे यानी जब हम पैसे को पेड करते हैं या सामान को हम खरीद रहे हैं तो पैसे तो पेड करेंगे, तो उस टाइम होता है इनपुट जीएसटी। अब मुझे बताना, 10 रुपए का सामान है मैं बेच रहा हूं और उस पर टैक्स लग गया 2 रुपए का, मैंने आपको बेच दिया 12 रुपए का, ठीक है, 10 रुपए का सामान मैंने आपको बेचा 12 रुपए का। आपने बोला सर ये 10 रुपए का सामान था, मैंने बोला 2 रुपए का ना सरकार को टैक्स भी देना है, वो मैं थोड़ी लूंगा, वो तो तुम्हें देने पड़ेंगे, तो सामान कितने का बेचा आपको? 12 रुपए का। तो वो 2 रुपए मुझे सामान मैंने बेचा और आपसे 2 रुपए लिया है, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले सामान बेचते टाइम पे ये इनपुट जीएसटी है या आउटपुट? पहले तो ये दिमाग में आप सेट करो इस बात को, इस बात को पूरे माइंड में लेके चलो। जब आपने सामान बेचा, इधर ध्यान दो, जब सामान बेचा तो कौन सा जीएसटी बताओ? आउटपुट जीएसटी होगा, ठीक है। अब 10 रुपए का सामान अगर आप 12 रुपए में बेचते हो, 10 रुपए का कोई सामान अगर आप 12 रुपए में बेच रहे हो, तो बताओ जो 2 रुपए है डिफरेंस इसका, ये सरकार को क्या करना है? सरकार को टैक्स क्या करना है? पेड करना है ना, सरकार को पेड करना है। तो जो हमारा आउटपुट जीएसटी है ये हमारे लिए क्या है? एक तरीके से जीएसटी का पैसा जब हम रिसीव करते हैं तो मेरे ऊपर कर्जा है या मेरी संपत्ति है? सोचो, जब रिसीव करते हैं तो मेरे लिए कर्जा है या संपत्ति है? तो आंसर इज सर मुझे ये पैसे अगर रिसीव कर लिए मैंने तो मुझे गवर्नमेंट को तो लौटाना ही लौटाना है, तो मेरे ऊपर एक दायित्व है, एक लाइबिलिटी है, एक कर्जा है मेरे ऊपर। तो इसलिए आउटपुट जीएसटी हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है? आउटपुट जीएसटी हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी, कर्जा। बिजनेस के लिए क्या होगा हमारा? लाइबिलिटी, ठीक है, समझ में आई बात आपको? सेम इनपुट जीएसटी। अब इनपुट में क्या है? मैंने सामान बेचा, खरीदा, सॉरी, 10 रुपए का सामान मैं 12 में खरीद के ला रहा हूं, 2 रुपए मैंने टैक्स दे दिए हैं उसको। तो देखो सामान खरीदा है, अभी सामान अभी तक आपने बेचा नहीं है। आप ऐसे समझो ना, देखो जैसे कि मान लो ये है आप, ये हो आप, और ये है दुकानदार। आपने इससे 10 का सामान 10+2 में खरीदा, 12 में आपने दुकानदार से 10+2 12 में खरीदा, तो आप 2 रुपए का तो टैक्स इसको दे रहे हो ना। अब आप इस सामान को आगे क्या करोगे? बेचोगे, तभी तो खरीदा है। बिजनेसमैन हो तो यही तो, सामान खरीदने का पर्पस क्या होता है? बेचना। आप इस सामान को आगे क्या करोगे? बेचोगे, तब जाके कहीं आपको कस्टमर से टैक्स वसूलोगे। जैसे आपने आगे बेचा 15+3, तो नॉर्मली क्या होगा, आप इसको पहले ही टैक्स पेड कर चुके हो, क्योंकि जब आपने दुकानदार से सामान खरीदा 10+2 में तो आपने क्या करा, इसको पहले ही टैक्स पेड कर दिया है, जो कि अभी नहीं करना चाहिए था आपको, लेकिन रूल ऐसा है कि करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। और आप एडवांस में अगर सरकार को टैक्स पेड कर रहे हो, पहले ही टैक्स पेड कर रहे हो, तो आपके लिए वो एसेट्स माना जाता है। तो जो इनपुट जीएसटी होता है एक तरह से क्या होता है हमारा, ये एसेट होता है ये,
क्या होगा हमारा एसेट, आपको ध्यान रखना है। तो इनपुट जीएसटी क्या होगा हमारे लिए, एसेट्स होगा। अभी हम सेटअप की बात करेंगे, जर्नल एंट्री भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखनी है हमें अभी। तो अभी पहले सिंपल सिंपल चीजें समझते हैं। फिर से एक बार बोल दूं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं फिर से बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कोई बात नहीं बच्चे, देखो आप अभी जो मैंने रेड रेड सर्कल किया है इसको देखना, इसके नीचे वाले पॉइंट को अभी इग्नोर करना, ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा, अगर सेल करोगे तो आपको आउटपुट जीएसटी देना है। आउटपुट जीएसटी का मतलब, अगर सेंटर में तो सीजीएसटी, एसजीएसटी और उसके आगे क्या लगेगा, आउटपुट। और ये आपके लिए आउटपुट जीएसटी क्या माना जाता है, ये आपके लिए लाइबिलिटी। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। सेल करोगे तो कौन सा जीएसटी, आउटपुट। और लाइबिलिटी, आउटपुट क्यों, क्योंकि सामान बेच रहे हो तो आउटपुट ही होता है सामान बेचने का मतलब। परचेज करोगे तो इनपुट जीएसटी लगेगा, और इनपुट जो जीएसटी लगेगा वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। परचेज करोगे तो इनपुट जीएसटी लगेगा एसेट्स। अगर स्टेट में बेचते हो तो दो तरीके का इनपुट जीएसटी होगा, एक होगा एसजीएसटी इनपुट और एक होगा सीजीएसटी इनपुट। अगर आप आउट ऑफ स्टेट बस बेचते हो तो एक ही तरीके का इनपुट होगा, कौन सा, इनपुट आईजीएसटी। ठीक है सर, इसका लिस्ट, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी जल्दी जवाब दो। मैंने सामान खरीदा, सामान मैंने खरीदा, आप मुझे बताओ खरीदने पे कौन सा लगेगा, सामान खरीदा इनपुट, बिल्कुल सही जवाब। मैंने सामान सोल्ड किया, बताओ कौन सा लगेगा, इनपुट। नहीं, आप फिर गलत बोल रहे हो ना, आउटपुट लगेगा यहां पे, आउटपुट लगेगा। यही तो मैं समझा रहा हूं, ये खरीदा था हमने। अब देखते हैं आपकी चालाकी, मैंने रेंट पेड किया, रेंट पेड तो आप माइंड में लो, रेंट पेड किया तो पैसा आएगा जाएगा, जाएगा पैसा, अगर जाएगा तो लगेगा इनपुट, कौन सा लगेगा हमारा, इनपुट। इसके बाद कमीशन रिसीव किया, बताओ कमीशन रिसीव किया तो हम पैसे को ध्यान देते हैं, पैसा आएगा या जाएगा, कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो पैसे हमारे पास आएगा, जब हमारे पास पैसे आएगा तो पैसा आएगा तो हमारा लगेगा आउटपुट। रेंट दिया मैंने, रेंट तो हो गया, मैंने क्या करा, स्टेशनरी खरीदा, स्टेशनरी परचेज, बताओ जल्दी से। अब सोचते हैं स्टेशनरी परचेज करेंगे तो पैसे के ऊपर ध्यान देना है ना, स्टेशनरी परचेज किया तो पैसा हमें पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा जाएगा हमारे पास से तो लगेगा इनपुट। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आया, अगर मैंने ये मार्कर खरीदा, खरीदा आप बताओ कौन सा जीएसटी पेड करेंगे, मार्कर खरीदा, तो मार्कर खरीदा तो पैसे जाएंगे, जब मार्कर खरीदा है तो पैसे जाएंगे तो मतलब पैसे जाएगा जाएगा जाएगा, इनपुट लगेगा। ठीक है, अब मैंने माइक खरीदा तो पैसे जाएंगे तो क्या लगेगा, इनपुट। मैंने क्या करा, मैंने रेंट रिसीव किया तो पैसे आएंगे तो कौन सा लगेगा, आउटपुट। ठीक है, अब एक स्टेट के अंदर ही सामान बेचा खरीदा जा रहा है तो कौन कौन से, दो प्रकार के, सीजीएसटी एसजीएसटी, इनपुट लगेगा आउटपुट लगेगा, वो डिपेंड करेगा पैसे आ रहा है या फिर पैसे जा रहा है, यानी पेमेंट है या फिर रिसीव है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, अगर एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं तो एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा, वो लगेगा आईजीएसटी, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा वो इनपुट है या आउटपुट है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिया कि आप दिल्ली से यूपी में माल बेच रहे हो, तो अगर दिल्ली वाला बेच रहा है, अगर दिल्ली वाला बेच रहा है तो उसके लिए क्या होगा, बेच रहा है यानी पैसे उसके पास आ रहे हैं तो वो इनपुट लगाएगा, सॉरी आउटपुट लगाएगा। दिल्ली वाला अगर बेच रहा है तो पैसा आ रहा है तो क्या लगाएगा, आउटपुट। समझ में आया, आप इसको एक बार सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिए, और जितना समझाए उसको भी अच्छे से नोट करिए। फिर हम आगे देखते हैं इसके अंदर और आगे का कॉन्सेप्ट, जीएसटी में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, अभी तो बस बेसिक बेसिक मैं समझा रहा हूं, तो जल्दी जल्दी इसको नोट करिए आप। चलिए नोट कर लिया आपने, अब जैसे कि मैंने, आपने मुझे बताया कि सर एक आउटपुट जीएसटी है, आउटपुट जीएसटी, और ये जो आउटपुट जीएसटी है ये बिजनेस के लिए है लाइबिलिटी। अब मुझे रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट मैंने करवाया है और आपने भी अच्छे से किया है, तो इसे डेबिट होना चाहिए एंट्री के अंदर या क्रेडिट, आप बताओ सोच के।
अगर आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी है, तो जब जर्नल एंट्री करें या कहीं भी करें हम अकाउंटिंग में, तो इसे लाइबिलिटी को डेबिट करते हैं क्रेडिट? तो जवाब है सर लाइबिलिटी है, तो इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, क्या होगा ये क्रेडिट। तो जहां कहीं भी आउटपुट जीएसटी आएगा उस केस में वो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। जर्नल एंट्री में कहाँ आएगा? क्रेडिट में आएगा या टू में आएगा? टू का मतलब भी होता है क्रेडिट, ठीक है। सेम ऐसे मैं बात करूं इनपुट, इनपुट जीएसटी, अब आई जीएसटी, सी जीएसटी, यूटी जीएसटी, सब जीएसटी में सब इंक्लूड है। ये बिजनेस के लिए क्या माना जाता है? ये बिजनेस के लिए माना जाता है एसेट। जब बिजनेस के लिए एसेट्स है तो ये क्या होना चाहिए बताओ? जब भी एंट्री करेंगे तो उस एंट्री में कहाँ लिखेंगे? इसको करेंगे डेबिट, इसको करेंगे हम डेबिट, ठीक है ना, डेबिट। तो एक सबसे पहले आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि जब कभी भी आप जीएसटी को पॉइंट लेके चलोगे तो आउटपुट है तो वो ऑलवेज क्रेडिट होगा, इनपुट है तो डेबिट होगा। हाँ, कुछ ये भी बोलेंगे सर आउटपुट भी कई बार डेबिट हो सकता है, धीरे धीरे वो भी करेंगे हम। अभी जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ सिर्फ वो, धीरे धीरे सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी होता है, दैट्स वाई हम क्रेडिट करते हैं। इनपुट जीएसटी इज एसेट्स, दैट्स वाई वी विल बी क्रेडिट डेबिटेड, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। सर एक दो पॉइंट बताओ। तो मैं पहले इन आउटपुट आउटपुट वाले कुछ एंट्री समझाऊंगा और कुछ एंट्री समझाऊंगा इनपुट वाले। तो मैं पहले आउटपुट की बात करता हूँ। आउटपुट में अगर मैं लिखूं पॉइंट नंबर वन, गुड्स कब होगा आउटपुट? सोल्ड ₹6,000 एंड CGST 5% एंड SGST, बताओ क्या होगा? ऑब्वियस है 5 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं कैलकुलेशन करता हूँ, वर्किंग नोट आपको समझाने के लिए, आप डायरेक्टली कर लोगे। तो हमारा जो CGST होगा, और बेसिकली मैं इसको सिर्फ CGST नहीं बोलूंगा क्योंकि सामान बिका है, तो मैं इसे बोलूंगा आउटपुट, आउटपुट CGST, यही बोलूंगा ना, आउटपुट CGST 6,000 का 5%, मीन्स 6,000 मल्टीप्लाई 5/100, ₹300। कस्टमर से हमेशा जीएसटी का पैसा रेट के अलावा वसूला जाता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद एक होगा आउटपुट, कुछ नहीं बताया कौन सा स्टेट है, इंटर स्टेट है, कौन सा स्टेट है मानोगे, विद इन स्टेट है। आउटपुट SGST, इसका कैलकुलेशन भी क्या होगा भाई? 6,000 ही समान होगा, उसके ऊपर फिर से 5%, यानी 300। कहने का मतलब है कि जब हमने 6,000 का सामान बेचा तो टोटल 300 का टैक्स देना पड़ा, 600 का 10% रेट है। रेट देखो मैंने यहाँ लिखा है ना, रेट क्या लिखा है मैंने, इस पे गौर करो, आप ध्यान दो, ये रेट था। सर अब जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? आप नॉर्मल एंट्री करते हैं पहले, किसी सामान को बेचने के लिए एंट्री आप सबने कर रखा है इसलिए रिवीजन जरूरी है, मैंने उसके इतने सारे क्वेश्चन दिए थे। तो नॉर्मल एंट्री क्या करोगे जब आप सामान बेचते हो? तो सर नॉर्मल एंट्री होगा हमारा कैश में बेचा है तो कैश से एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स, यही करते हैं ना, टू सेल्स और टू सेल्स, सेल्स अकाउंट, फॉर्मेट अभी बना नहीं रहा मैं, सेल्स अकाउंट। मैं भी सामान बेचते थे, अगर 6 का बेचा तो 6, लेकिन अब जीएसटी के साथ जब होगा तो इस तरीके का नहीं होगा। पहले देखो सेल्स, सिंपल सेल की, अब मैंने बोला कि आउटपुट जीएसटी है तो हमारा लाइबिलिटी एक क्रेडिट में जाएगा, तो अब यहाँ पे टू साइड में और हमें ऐड करना होगा क्योंकि जो हमारा सेल से कस्टमर से पैसे मिलेंगे वो 6,000 तो मिलेंगे, प्लस वो आपका SGST का भी पैसा देगा और प्लस CGST का भी पैसा देगा, ₹300 और 300, वी विल बी रिसीव ₹6,600 टोटल, है ना। तो कैश आया मेरे पास 6,600,
सेल्स माना जाएगा हमारा 6,000 का, और टू आउटपुट CGST 300, और टू आउटपुट SGST 300 रुपये। ये पूरी जर्नल एंट्री होगी, और यहाँ बींग लिखेंगे, बींग गुड्स सोल्ड ₹6,000, ये होगा। ठीक है, मैं बहुत सारे धीरे धीरे कराऊंगा, स्लो स्लो लेके चलूंगा मैं। अभी एक करवाया, एक मैं आपको दूंगा करने को, फिर एक आप करोगे, इस तरीके से चलेगा हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट। तो मैंने क्या करवाया, सेल के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का भी चक्कर में नहीं पड़ना, पहले हम बेसिक बेसिक एंट्री करेंगे। तो सेल वाला देखा आपने, सामान बेचा तो GST का हुआ। ठीक है, मैं आपको क्या करूंगा, असाइनमेंट दूंगा, और सिर्फ उसमें सेल के कुछ ट्रांजेक्शन है, तो पहले आप सेल वाले, चलो एक और बता दूं, एक और बता दिया जाए कि आपको सेल के साथ साथ कुछ इनकम के ऊपर भी कर लेते हैं 2 पॉइंट, क्योंकि ये तो बहुत कम लग रहा है मुझे, है ना। पहले इसको एक बार आप नोट करिए, फिर हम देखते हैं। पहले इसको नोट करिए आप एक बार, ये हमारा पॉइंट था और इसका सॉल्यूशन ये है, वर्किंग नोट ये है। या फिर ऐसा करते हैं ना, सेल पे ही रहने देते हैं, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा फिर आप बोलते हो सर बहुत ज्यादा काम हो गया। कोई बात नहीं, एक दिन हम लेट सीखेंगे, लेकिन एक बार जो सीख लिया वो लाइफ में कभी नहीं भूलने वाले, कोई पूछे तो हम उसे सिखा देंगे। ठीक है, तो सेल वाले का सीखेंगे, फिर हम ऐसे सीखेंगे अदर देन सेल, जैसे कि रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, फिर परचेज, ट्रेड डिस्काउंट, धीरे धीरे चलेगा। मैं थोड़ा लेंदी लेके चल रहा हूँ, और जब GST खत्म होगा तो आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होगा। अच्छा, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, सेट ऑफ क्या है, बहुत सारी पॉइंट्स मुझे कराने हैं इसके अंदर। सिलेबस में है या नहीं मुझे ये नहीं पता, मुझे तो आपको बस बेसिक नॉलेज देना है और अच्छे से समझाना है। तो आप भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, आगे जॉब करोगे। मैं सिंपली बताऊं तो अगर आपको GST के सारे पॉइंट समझ में आ जाता है, कोई कंपनी आपने देखा, आपके फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड के फादर है, या फिर मान लो कोई भी है आपके आसपास का दुकान जहां से आप सामान लेने जाते हो घर का, उसने पूछा, आपके बेटे ने आपके मम्मी से पूछा, या आपके पापा से, आपके बेटे का कॉमर्स ले रखा है, उसको GST के पता है? आप बोलोगे जी पता है हमें GST का। जब आपने इतना बोला तो वो बोलेगा मेरे पास पता नहीं कैसे GST वेस्टी है। तो सिंपल 5 मिनट का प्रोसेस होता है, कुछ पॉइंट्स GST के होते हैं जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है, मैं वो भी करके दिखाऊंगा आपको धीरे धीरे, जब जरूरत पड़ेगी तो प्रैक्टिकल धीरे धीरे सारी बातें करूंगा। और उस दुकानदार का आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया और बोला लाओ 1,000 रुपये, आपके 1 रुपये खर्च नहीं हुए, थोड़े से इंटरनेट खर्च हुए जो कि फ्री है आज के टाइम पे, हर डेली बेसिस पे मिलता है, 1,000 रुपये ले लिए। अब अगर आपने उससे 1,000 रुपये ले लिए ना, वो बंध गया आपसे, हर महीने गवर्नमेंट कहता है उसको GST का रिटर्न, GST 3B फॉर्म होता है ये, फाइल करनी ही करनी है। फिर अगले महीने आएगा, फिर बोलेगे आपसे कि भाई आओ आप मेरा GST का वो रिटर्न फाइल करो। आपने रिटर्न फिर 5 मिनट में फाइल किया, बोला लाओ 500 रुपये, लाओ 1,000 रुपये, लाओ। जितनी मोटी पार्टी, मोटी पार्टी का मतलब मोटी नहीं, मोटी पार्टी का मतलब जितने ज्यादा पैसे वाला उतना ज्यादा पैसा खींचोगे। मान लो ऐसे करते करते आपने 20 भी कर लिया, तो महीने के तो 15-20 हज़ार आप 11th 12th में भी कमा सकते हो। बट आप चीजों को समझो तो अच्छे से, तो सिर्फ मैं इसलिए समझा रहा हूं। और अपने आप को जितना एक्सप्लोर करो कि GST है, बिल वगैरह होता है, उन सब चीज को प्रैक्टिकल देखो, अच्छा ये CGST लगा है, दिमाग लगाओ कहाँ से कहाँ क्या क्या है, वो सारी चीजें, ठीक है ना। तो हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल चीजें करके चलेंगे, ठीक है। तो आप अभी इसको करो, इससे रिलेटेड मैं असाइनमेंट दूंगा हर बच्चों को, उस असाइनमेंट को सॉल्व करना है आपके, या तो व्हाट्सएप पे आ जाएगा असाइनमेंट, या फिर वहां पे एग्जामिनेशन वाले पोर्टल के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। एग्जामिनेशन में जाओगे वहां पे, और नोट्स के सेक्शन में, नोट के सेक्शन में 11th में जाओगे आप, वहां पे मिल जाएगा आपको असाइनमेंट सारे। तो चलिए इसको अच्छे से नोट करिए बच्चे, अगली क्लास में मिलते हैं हम, और अगली क्लास में और ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, और हम और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को गेन करेंगे। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, और मुझे आपके इस क्लास में टॉप आपको आना आना है, और अच्छे मार्क्स चाहिए मुझे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, ठीक है। चलिए आप नोट करिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।